नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए कट ऑफ आ गया है। कट ऑफ के लिए सबसे पहले कुछ जानकारियां सुनिश्चित कर लें। परीक्षा में 250 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका रिजल्ट जो है 8 जनवरी तक आ सकता है। इसमें जो उपस्थिति देखी गई है 50-60% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। इसके आधार पर विद्यार्थियों के क्वेश्चनों के आधार पर और टेलीग्राम चैनल पर आदि सब जगह देखकर यह कट ऑफ बनाया गया है, जो बहुत ही सही साबित हो सकता है। कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यह कट ऑफ सर्वमान्य ही होगा। सभी लोग इसको देखेंगे, रिजल्ट जब आएगा तो यह काफ़ी सही ठहरेगा। देखते हैं कैसे रहा कट ऑफ। जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा आरओ के लिए 210 से 215 हाई कोर्ट आरओ के लिए, ओबीसी का कट ऑफ जो होगा 208 से 213 रह सकता है। एमबीसी का अगर देखा जाए तो 207 से 212 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 205 से 210 रह सकता है। इस तरह से एससी कैंडिडेट के लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो 190 से 205 ठहरता है। इसी तरह से एससी कैंडिडेट के लिए आरओ के लिए अगर देखा जाए तो 190 से 180 अर्थात 180 से 190 हो सकता है। यह कट ऑफ पूरी तरह से सही हो सकता है। इससे दो प्रश्न आगे दो प्रश्न पीछे हो सकते हैं, दो अंक का अंतर रह सकता है, लेकिन यह कट ऑफ सही होगा। एआरओ की बात करें तो एआरओ में भी मैक्सिमम पूर्णांक जो रखा गया था 250 का था। इसमें भी जनरल 200 से 205 हो सकते हैं, ओबीसी 195 से 200 तक रह सकते हैं, एमबीसी के लिए 190 से 195 तक देखा जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 195 से 198 हो सकता है, एससी के लिए 185 से 190 माना जा रहा है। इसी तरह एससी की बात करें 180 से 185 हो सकता है, एसटी की बात करें 180 से 185 और एससी 185 से 190 हो सकता है। तो इसी तरह से अगर कंप्यूटर असिस्टेंट सहायक की बात करें, इसमें भी 250 का अंक रखा गया था, जिसमें जनरल के लिए 215 से 220 माना जा रहा है, ओबीसी के लिए 210 से 215 माना जा रहा है, एमबीसी के लिए 212 से 215 माना जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 205 से 208 माना जा रहा है, एससी कैंडिडेट के लिए 190 से 195 निर्धारित हो रहा है। इसी तरह से एसटी के लिए 185 से 190 और एससी के लिए 190 से 195 के आसपास हो रहा है। इस तरह से आज का कट ऑफ यही है। आपको रिजल्ट की प्रतीक्षा होगी। 8 जनवरी तक रिजल्ट आने की संभावना है। रिजल्ट के लिए अगर आप सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।